गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो कल चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट किए थे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इस चैप्टर नंबर फोर यानी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी हम लोग कल कुछ बेसिक टर्म का स्टडी किए थे, आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है उस चैप्टर का आपका क्रॉस प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, है ना। यानी कहता है देखिए कल हम लोग बात किए थे MNC के बारे में यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में। तो क्या है, तो कहता है MNC इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। कल हम लोग इसके बारे में स्टडी किए थे जो MNC वैसी कंपनी होती है, वैसी कॉरपोरेशन होती है जिसका क्या होता है प्रोडक्शन के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो एक से ज्यादा कंट्री में करती है, एक से ज्यादा कंट्री में उसका मार्केटिंग होता है। ठीक, कहते हैं MNC सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। कहता है MNC जो है तो अपना ऑफिस और फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप करता है, कहता है उस कंट्री में उस रीजन में जहाँ पर कि उसको चीपली लेबर और अदर रिसोर्सेज इजीली से अवेलेबल हो जाता है। देखिए आज जो चाइना का GDP इतना आगे है उसका रीजन यही है, चाइना का क्या है पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और चाइना जो है आपको वेस्टर्न से इफेक्टेड नहीं, जैसे इंडिया क्या है वेस्टर्न से इफेक्टेड है, हम लोग अपने इंडियन गुड्स को कम प्रीफर करते हैं रादर देन वेस्टर्न गुड्स, है ना। तो हम लोग तो वेस्टर्न की तरफ जाते जा रहे हैं, हम लोग का लैंग्वेज भी चेंज होते जा रहा है, लेकिन चाइना का ऐसा नहीं। एक तो वहाँ पर क्या है जनसंख्या बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और वहाँ पर चीनी लैंग्वेज ही चलता है, वहाँ पर इंग्लिश नहीं हो पाता है, नहीं बोल सकते हैं आप, चीनी लैंग्वेज ही। यहाँ पर रीजनल की बात हो गई और दूसरी बात क्या होती है वहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो यानी वो जो लेबर है इजिली वहाँ पर अवेलेबल होते, वो लोग क्या करता है सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है, वो वेस्टर्न से इफेक्टेड नहीं है। इसलिए चाइना के में क्या है मैक्सिमम कंट्रीज वहां पर जाकर के अपना क्या करता है फैक्ट्री लगाता है ताकि उसको ह्यूज पॉपुलेशन जो है चाइना का उसके कारण उसको इजी चिप में लेबर मिल जाता है। फिर कहता है दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो वो क्या हो कम पड़े और MNC को मोर से मोर प्रॉफिट हो सके यानी कि अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। कहता है MNC सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, यानी कि MNC जहां लगाए जाएंगे वो क्या होता है मार्केट के नजदीक होना चाहिए, क्यों ताकि वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करे और इजी वे में आसानी से एट लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो मार्केट में सप्लाई कर सके। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड अवेलेबल लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहाँ पर क्या हो स्किल और अनस्किल्ड दोनों तरीके के लेबर, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड लेबर भी दोनों क्या है इजीली और कम रेट में अवेलेबल हो। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग पहले चैप्टर में यानी कि पहले पढ़े थे 9th में पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर्स प्रोडक्शन में जैसे क्या क्या होता है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये कहता है इजीली क्या होना चाहिए अवेलेबल होना चाहिए यानी कि वो क्या हो वो आसानी से मिले। कहता है इन एडिशन इसके अतिरिक्त कहता है MNC मेट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी MNC जैसे वहाँ के गवर्नमेंट के पॉलिसीज को के ऊपर भी डिपेंड करती है ताकि वो पॉलिसीज उसके इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर बेनिफिट, इंटरेस्ट का मतलब बेनिफिट, उसके बेनिफिट में काम कर सके, यानी पॉलिसी ऐसा हो जो पॉलिसी क्या होना चाहिए तो उससे MNC को बेनिफिट पहुंचाए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो देखिए हम लोग रुपया का से क्या करते हैं, जो हम लोग रुपया होता है उसे क्या करते हैं तो कोई एसेट्स परचेज करते हैं जैसे कि लैंड बिल्डिंग मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स और उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, यानी द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट जो MNC करती है, कौन करती है MNC, तो उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
जनरली कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है वो क्यों करता है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यानी एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अतः वेराइटीज ऑफ वेज इन विच एमएनसीज आर स्प्रेडिंग प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विथ लोकल प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि एमएनसी क्या करती है, बहुत तरीके से अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्प्रेड करती है, बढ़ाती है, वो लोकल प्रोड्यूसर से क्या करती है, अलायंस कर लेती है, उसके साथ इंटरेक्ट करती है। अब देखिए ये क्या करता है, यानी कि बाय सेटिंग अ पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, यानी कि देखिए परसों ही हम लोग देखे थे जो गूगल वो गूगल ने क्या किया है, तो रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। गूगल कहाँ का है, गूगल है यूएसए का, उसने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, इंडिया में किया, यानी कि वो दोनों एक तरीके से पार्टनरशिप पर काम किया, यही हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए गूगल इंडिया में आकर के डायरेक्ट मार्केटिंग करता तो प्रॉब्लम होता है ना, तो वो इंडिया में जैसे कि रिलायंस तो पहले से ही बना हुआ है इंडिया, रिलायंस जो इंडिया के लिए क्या है, लोकल है ना, तो उसके साथ आकर के जुड़ गया है। और सब कंपनी आ जाती है इंडिया में या और वो क्या करते हैं, यहाँ के लोकल कंपनी से मिल जाती है ताकि उसको अपना गुड्स सप्लाई करने में आसानी मिले, उसे क्लोजली कंपीटिंग कर पाता है, यानी कि उसका जो कंपटीटर होता है उसको वो क्या करता है, वहाँ के लोकल व्यक्ति से, लोकल कंपनी से मिल करके उसके कंपटीटर को आसानी से कंपीट कर पाता है, या फिर उस लोकल कंपनी को क्या करता है, खरीद ही लेता है। जैसे कि देखिए फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को खरीद लिया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया उसका, ये सब चीज क्या है, यानी कि एक दूसरे के लिए बाइंग कर लेता है। अगर तो एमएनसी एग्जर्टिंग ए स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट लोकेशन, इससे इसके तहत क्या होता है वो, यानी कि वहां के मार्केट में अपना एक स्ट्रांग शेयर बना लेता है, स्ट्रांग पहचान बना लेता है, ठीक है। अतः इस एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्प्रेट लोकेशन गेटिंग इंटरलिंक, यानी इसके द्वारा दूर दराज इलाके में भी जाकर के क्या किया जाता है, तो उसको एक मतलब अपने पहचान यानी प्रोडक्शन को जो है सो लोकल लेवल पर अच्छे तरीके से उसको मार्केटिंग कर पाता है। यानी कि जनरली ये जो ग्लोबलाइजेशन है, यानी एमएनसी कंपनी क्या करती है, किसी भी कंट्री में जा करके वो वहाँ के पर या तो चाहे तो उसको अगर इजीली लैंड लेबर ये सब अवेलेबल होता है तो खुद का भी कंपनी खोल सकता है, या फिर क्या करता है वहाँ जो लोकल कंपनीज सब होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है उस कंट्री में जा करके उसी के साथ टाई अप कर लेता है, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसका उस पर क्या आ जाए, कंट्रोल आ जाए, है ना, वो उसको डायरेक्ट कर पाए, ठीक है। और उस चूंकि वो जो लोकल कंपनीज है उसको तो आसानी से वहां पर मार्केट मिला हुआ है, वो तो सब कुछ वहां के बारे में जानते रहता है, तो ये जो एमएनसी वहां पर जाकर उसमें इन्वेस्ट करती है तो इसको क्या होता है, उसका इसको बेनिफिट मिलता है, या नहीं तो क्या करती उस लोकल कंपनी छोटी छोटी कंपनी को क्या करता है, ये खरीद ही लेता है, ठीक है, और उसका जितना भी रिसोर्सेज है जो भी उसका मार्केटिंग है सभी का ये बेनिफिट लेता है, तो ये कहलाता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो फॉरेन ट्रेड यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग देखे, एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए फॉरेन ट्रेड्स का क्या है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं, कैसे, जैसे वो लोकल मार्केट के लिए जो लोकल मार्केट में जो प्रोड्यूसर है उसको मान लीजिए आइदर या तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या फिर जितना उसको चाहिए यानी कि जिस लेवल पर उसको मार्केटिंग करना चाहिए उसके लिए उसको मैनेजर की स्किल की कमी हो जाती है, तो ये क्या करता है उसको प्रोवाइड करता है, यानी कि ये डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके उसके लिए इसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यानी प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन आल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, तो वो जो लोकल कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंट्री में गुड्स को नहीं सेल कर सकता है बल्कि
फॉरेन ट्रेड के सहायता से वो क्या कर सकता है, दूसरे कंट्री में भी अपने कंपटीटर्स को कम्पीट कर सकता है। सिमिलरली यानी कि बायर के द्वार के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं, अगर मान लीजिए ये फॉरेन ट्रेड नहीं रहे तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गुड्स पर ही हम लोग को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, लेकिन ये जो फॉरेन ट्रेड होता है तो हम लोग क्या यूएसए का गुड्स, साउथ कोरिया, कहीं कहीं का गुड्स इजीली हम लोग को क्या होता है अवेलेबल हो जाता है डोमेस्टिक लेवल पर ही। ये किसके कारण हो गया, फॉरेन ट्रेड के कारण हो गया, यानी कि फॉर द बायर्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्रीज इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। फिर कहता है फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी फॉरेन ट्रेड क्या करती है तो डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को एक साथ जोड़ने का काम करती है। फॉरेन ट्रेड क्या करती है, डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को एक साथ जोड़ने का काम करती है। यानी कि फॉरेन ट्रेड में जनरली हम लोग क्या देखें, ये एमएनसी के तहत क्या होता है, तो एमएनसी यानी कि किसी दूसरे कंट्री में यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो यानी एक कंपनी अपना प्रोडक्शन कहीं और करती है जहां पर उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़े, मार्केटिंग कहीं और करती है ताकि उसको जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो इन सब को अगर देखते हैं हम लोग तो ये यानी कि एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड, यानी कि कोई जो लोकल कंपनी है वो सिर्फ अपने ही कंट्री में नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में भी जा करके अपने कंपटीटर को कम्पीट कर पाता है। ये किसके कारण हो पाया, फॉरेन ट्रेड के कारण हो पाया, ठीक है। तो ये फॉरेन ट्रेड क्या करती है आपको, तो मार्केट्स को इंटीग्रेशन करने का काम करती है, यानी कि ये ओपन इकोनॉमी का निर्माण करती है। ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी है यानी सिर्फ अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही काम कर पाना, ये ही नहीं, ये क्या करता है एक मार्केट को, एक कंट्री के मार्केट को दूसरे कंट्री के मार्केट से जोड़ने का काम करती है, है ना। ये बायर को भी क्या करती है, यानी इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स के कारण क्या हो जाता है, बायर का चॉइस बढ़ जाता है। वो ऐसा नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंट्री के प्रोड्यूस्ड गुड्स पर ही डिपेंडेंट रहता, नहीं, अपने गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है उसके अलावा भी वो फॉरेन गुड्स का भी चॉइस उसके साथ होता है, वो चूज कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इससे मार्केट का क्या होता है, रेंज इंक्रीज करता है, यानी कि बिजनेस परफॉर्मेंस का क्या होता है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये तीन टॉपिक आज लोग हम लोग डिस्कशन किए हैं इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, पर थैंक यू।